नमस्कार दोस्तों, रेजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत सरकार के उद्यमशीलता एवं कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह उत्सव महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म जयंती के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत से संबंधित हैं तथा साहित्य के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण से ही भारतीय भाषा उत्सव के रूप में इनके जन्मदिन को मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इन्हें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सेतु के रूप में भी जाना जाता है। सेतु चूंकि जोड़ने का प्रतीक होता है, अर्थात कवि सुब्रमण्यम भारती ने भारत की सभ्यता संस्कृत के मध्य जो है एक कड़ी के रूप में काम किया, जिससे उत्तर भारत दक्षिण भारत को जो जोड़ा जा सके और भारत की विविधता में एकता को स्थापित किया जाना संभव हो सके। इनके द्वारा दिए गए इस महान उपलब्धि, इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण से ही इनके जन्मदिन को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि भारत के सभी क्षेत्र के लोगों को एक केंद्र से जोड़ा जाना संभव हो सके, उनमें राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास किया जा सके। इसी कारण से इनकी जयंती को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और इसमें संविधान के लागू होते समय 14 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, किंतु धीरे धीरे कुछ अन्य भाषाओं की महत्ता को स्वीकार करते हुए इसमें अन्य भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से इसमें सिंधी को जोड़ा गया, सा से सिंधी और सा से सड़सठ, यानी कि 1967 में सिंधी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया। और इसी तरीके से 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 3 अन्य भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया तथा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से 4 अन्य भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जिनको BDMS कहा जाता है, इनको जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के 1, 3 और 4, इस तरीके से कुल भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में 22 हो जाती है और वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो भारत में भाषाओं का बहुत ही महत्व है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, सभ्यता और संस्कृत के विकास में भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। चूंकि सुब्रमण्यम भारती इन भाषा के विकास से संबंधित हैं, लेखन, पत्रकार और कवि हैं, तो इस कारण से इनके द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इनकी महत्ता को रेखांकित करते हुए इनके जन्म जयंती को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत में आजादी के 75वें वर्षगांठ के रूप में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहूंगा कि किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ होने के 25 वर्ष बाद, पूर्व में भी हम बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं, सिल्वर जुबली मनाया जाता है, 50 वर्ष के बाद गोल्डन जुबली मनाया जाता है, 60 वर्ष के बाद डायमंड जुबली मनाया जाता है, जिसे हीरक जयंती भी हिंदी में कहा जाता है, और 75 वर्ष के बाद प्लेटिनम जुबली, पासे प्लेटिनम जुबली के रूप में मनाया जाता है। तो यह आजादी का अमृत महोत्सव या आजादी की 75वीं वर्षगांठ को प्लेटिनम जुबली के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे एक महत्वपूर्ण शब्द अमृत महोत्सव के रूप में रेखांकित और चिन्हित किया गया है। और इसके अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता में योगदान देने वाले महान विभूतियों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत की उपलब्धियों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसी के अंतर्गत भारत में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से भारत में आजादी के 75वें वर्षगांठ के रूप में अमृत महोत्सव को व्यक्त किया जा रहा है। इसी की अगली कड़ी के रूप में एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन का आयोजन किया गया, जिसकी अभिव्यक्ति व्यवहारिक स्तर पर भारतीय भाषा उत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है, जिसका निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। तो इसके अंतर्गत भारतीय भाषा उत्सव का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों में, युवाओं में भारतीय भाषा के समृद्धि, उसके योगदान से उनको परिचित कराना है, जिससे विविधता में एकता को स्थापित किया जा सके और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रवाद की भावना का उनमें विकास किया जा सके। भारत में भाषाई समृद्धि की विरासत का एक महान इतिहास रहा है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहुभाषावाद पर बल दिया गया है और भाषा को राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा विविधता में एकता को स्थापित करने के एक उपकरण के रूप में भी स्वीकार किया गया है।
इसके अंतर्गत भारत के सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय और विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने पर भी बल दिया जा रहा है। उन सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को जो कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए जा रहे हैं वो इस रूप में है। भारतीय भाषाओं का चार्ट तैयार किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की भाषाओं से संबंधित चार्ट तैयार किए जाएंगे, महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जीवन चरित्र पर आधारित जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जीवन चरित्र पर आधारित झांकियां जो है निकाली जाएंगी, इसी तरीके से भारतीय भाषाओं की समानता पर निबंध का आयोजन किया जाएगा और भारतीय भाषाओं का क्षेत्रीय विकास में क्या योगदान है इस पर भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए जाएंगे तथा प्राथमिक यो माध्यमिक स्तर की शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाएं सहायक हैं इस पर वाद विवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो इस तरीके से भारत सरकार के द्वारा लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय कि 11 दिसंबर को अब प्रतिवर्ष भारतीय भाषा उत्सव मनाया जाएगा, जिसे अलग अलग प्रदेशों में भी आयोजित किया जा रहा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि भारत में राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में एक भारत और श्रेष्ठ भारत को मनाने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वोत्तर का मेघालय और अरुणाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ एक सहभागी राज्य है। यह भी आपके परीक्षा के भी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस कार्यक्रम को चूंकि भारत सरकार के साथ साथ सभी प्रदेश के द्वारा मनाया जा रहा है, इससे आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से सवाल का पूछा जाना लगभग तय माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है वो किसकी जन्म जयंती से संबंधित है, किस तिथि पर आयोजित किया गया, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से अक्सर या इस तरीके के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। और चूंकि सुब्रमण्यम भारती के ही जयंती को क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे भी आपको उनके द्वारा भाषा के क्षेत्र में दिए गए विकास और भाषा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को भी जो है अंकित और चिन्हित करना होगा, जिससे कि इस बात को जस्टिफाई किया जा सके कि सुब्रमण्यम भारती के जन्म जयंती को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जाना कितना समीचीन प्रतीत होता है। तो इस तरीके से आपको इन कार्यक्रम के बारे में एक सामान्य तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ जो है उसके उद्देश्य और महत्व को भी समझना और जानना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह संक्षिप्त सेशन जो है इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोगों की समझदारी को बढ़ाने में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में बस इतना है, पुनः अगले लेक्चर में कुछ नई बात के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।